देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूँ कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूँ कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं जो चीज़ें बनाती हैं वो सीधी भारत सरकार को भेज सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वो जेम पोर्टल पे करें तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप। इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। इस तरह आप पूरे देश पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है। सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। वाह, चलिए, आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आइए हम पूरब की तरफ चलते हैं, आसाम की तरफ चलते हैं। असम के कचर जिले के ग्राम पंचायत छोटा दूध पाटिल, यहाँ के प्रधान श्रीमान रंजीत सरकार जी हमारे साथ है। रंजीत जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं लॉकडाउन घोषित करने के आपके असम राज्य से सबके साथ में आपका पास मेरा। लेकिन इस बार थोड़े आसाम के लोग नाराज हो गए होंगे क्योंकि बिहू इतना बढ़िया आनंद उत्सव और मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, हमारा बिहू बिगाड़ दिया। सर, लॉकडाउन आप जो काम किया है सर वो अच्छा काम किया है, जिसको रक्षा करने के लिए काम किया है सर। लेकिन ये बड़ा जो राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भलाई करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में आया है सर। मेरा विधायक किशोरनाथ जी मेरा ब्लॉक में आया और गांव में आया, तो हमारा जो गांव पंचायत बॉडी है ना सर, और बॉडी का जितना 10 सदस्य और अंगनवाड़ी सदस्य आशा कर्मी लेके हम लोग सब मिल के एक बैठक किया है और बैठक में डिपार्टमेंट को सामने में एक डिपार्टमेंट मॉडल हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल के साथ जो डॉक्टर है ना उसके साथ बातचीत किया कि हमारे जीवन में जितना बुढ़े आदमी और बच्चा लोग सारा करना पड़ेगा और हर घर जाके सबको बुलाया, लॉकडाउन मानना पड़ेगा और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, सामान से 10-15 मिनट बाद को हाथ धोना पड़ेगा और सब स्वच्छता रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सर आपका पहले धन्यवाद, लॉकडाउन का आपका जो देश के लिए भलाई के लिए हम जो काम किए हैं सर वो आपको असम तरफ से सर आपको शुक्रिया सर। तो हमारे जो MLA सर ब्लॉक के लिए बहुत काम किया है और गांव में जाके रिलीफ दिया है सर। हमारा तनख्वाह 4 महीने का तनख्वाह 86,000 रुपया मिल के मेरा गांव का और गरीबी को रिलीफ दे दिया सर। हमारा BDO है ना हमारा ब्लॉक में वो मुझे को मदद किया, मेरा सचिव
और जो सेक्रेटरी हो मुझे तो मदद किया, और गांव में कोई आदमी नाराज नहीं है सर। फैमिली कार्ड, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जो डेसोल्ट के साथ जो 5 kg चावल मिला है सर रिलीफ में, और मेडिसिन मिला है, मेडिसिन मॉडल हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में मिला है सर। वो हॉस्पिटल में जितना बुरा लोग आके पूर्ण सहकार, पूर्ण सहकार सर, जितना ये सुंदर स्वच्छता स्वच्छता से रहना पड़ेगा, इसलिए सर जी आपने बहुत उत्तम तरीके से बात बताई। मैं आपको बधाई देता हूँ और सभी असम वासियों को भी मेरी तरफ से बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है साथियों, आपके साथ ये जो सार्थक बातचीत से न सिर्फ मुझे लेकिन देश के जो भी नागरिक आज आपको सुन रहे हैं सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता, कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती। लेकिन मैं जब लाखों की तादाद में पंच सरपंच मेरे सामने हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, भले ही मैं आप सबको सुन नहीं पाया हूं, लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताए उसमें एक प्रकार से आपकी भावनाएं प्रकट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसे विशेष प्रयास किए हो, प्रयोग किए हो, अपने गांव को बचाया हो, अगर मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों में जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है, इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा का ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है, इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है।
और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया, जम्मू कश्मीर के अपने साथी ने, रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो। मैं समझता हूं गांव में बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर बीमार लोगों की सबसे पहली पहुंच, उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा। इसलिए सबसे पहला समाधान भी गांव के पंच और गांव के प्रधान के पास ही होना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बीमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वजह से हमें बीमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है, काफी समय चला जाता है। इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हर प्रकार की गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है। हर परिवार तक सही जानकारी, चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए, ये जानकारी पहुंचाने की चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर, और मैंने सुना कई सरपंचों ने कहा उन्होंने गांव में छोटे 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 टोलियां बना दी, अलग अलग काम के लिए लोगों को संगठित कर दिया है। टोलियां बनाकर जागरूकता के अभियान को तेज कर सकते हैं। आशा है, ANM है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी बहनें हैं, युवा मंडल है, पूर्व सैनिक है, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये संगठन भी हैं। हर किसी की मदद लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान पान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे भी तमाम अफवाहें उड़ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हम जो भी खाएं वो खूब धोकर और खूब पकाकर खाएं, इस बात को हमें गांव गांव में बताना है। और हाँ, गांव में कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं जिनको हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ भी होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है। आयुष मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, और मैं चाहूंगा सारे प्रधान आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं, उसमें सारी चीजें हैं, अपने गांव में उसका उपयोग करें। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को
बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। साथियों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आपकी एक एक आवश्यकता को समझते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीकाकरण को लेकर इतनी दिक्कतें होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान को लेकर के गई। पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों में कुपोषण की बहुत ज्यादा समस्या थी। हमने पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ने में उसको मदद मिल जाए। पहले शौचालयों की क्या स्थिति थी ये भी आपको पता है। शौचालय न होने से कितनी बीमारियां फैलती थी ये भी आपको पता है। हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि गांव के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भी गांव के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उभरी है। इसके तहत अब तक करीब करीब 1 करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल चुका है। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है वहां अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की है। सरकार द्वारा भी देश भर के गांवों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन सेंटर्स में अनेक गंभीर बीमारियों के टेस्ट की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गांवों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए